दोस्तों, बंदर दुनिया का जहीन तरीन जानवर माना जाता है, लेकिन जंगलात में बहुत से ऐसे बंदर भी हैं जो बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज आपको बंदरों की 10 ऐसी नस्लों के बारे में बताते हैं जो सबसे कीमती और नायाब तरीन नस्लें मानी जाती हैं। लेकिन ये बंदरों की नस्लें देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, कैपुचिन मंकी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बंदरों की ऐसी नस्ल के बारे में बताएंगे जो कि टीवी में भी किसी सेलिब्रिटी की तरह नजर आएंगे। सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना में पाए जाने वाले ये बंदर दुनिया के सबसे समझदार बंदर माने जाते हैं। कैपुचिन बंदर इंसानों की तरह कई काम करते हुए भी नजर आएंगे, जैसे कि वेंडिंग मशीन से ये अपनी पसंद की चीजें निकालना भी जानते हैं। पेंटिंग भी इनका शौक है और एक्टिंग करना भी इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये बंदर इंसानों के साथ भी खुश रहेंगे, इसीलिए लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं। इसके अलावा अगर इन्हें किसी बच्चे की तरह पाला जाए और सिखाया भी जाए तो घर के कई काम करने में आपकी मदद भी हो जाएगी। नंबर 9, मैंड्रिल मंकी। दोस्तों, मैंड्रिल बंदर की दुम ना होने के बराबर होती है। ये बंदर बाकी बंदरों की निस्बत अपने लंबे और अनोखे मुंह से पहचाने जाएंगे, जिनके ऊपर सफेद और लाल रंग की दाढ़ियां बनी हुई होती हैं। मैंड्रिल की शक्ल से तो ये खतरनाक बंदर लगते हैं, खास तौर पे तब जब वो अपना बड़ा सा मुँह खोल कर अपने बड़े से दाँत आपको दिखाएंगे। लेकिन असल में ये बंदर इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि इन बंदरों को इंसानों के साथ खेलना पसंद है। इसलिए ये आपके सामने अगर ये बंदर आ जाए तो आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं। नंबर 8, गिबन्स। दोस्तों, बांग्लादेश, इंडिया और इंडोनेशिया में पाया जाने वाला ये बंदर आपस में सलूक के साथ रहना पसंद करता है, इसलिए ये इकट्ठे उछलते कूदते हुए नजर आएंगे। मगर जरूरी नहीं कि सब गिबन्स का रंग एक जैसा हो, ये मुख्तलिफ रंगों में भी दिखाई देंगे। इनमें नर गिबन काले और सफेद रंग के होते हैं और मादा गिबन हल्के ब्राउन रंग के साथ सफेद रंग की होगी, जिस वजह से इन्हें पहचानने में आसानी होती है। ये बंदर आपको ज्यादातर अपने आप में गुम मस्तियां करते हुए नजर आएंगे और शरारतें करना तो जैसे इनका पसंदीदा काम है। इनके चलने का स्टाइल भी इंसानों की तरह है, जैसे कोई इंसान खुशी में झूलता हुआ चल रहा हो। इसके अलावा इनकी आवाज भी बाकी बंदरों से काफी अलग सुनाई देती है। नंबर 7, कुकोरेल्स फाका। दोस्तों, मेडागास्कर के जंगलों में पाए जाने वाले बंदरों की ये नस्ल काफी अलग शक्ल रखने वाली है। इनका जिस्म तो सफेद होता है, मगर इनका मुंह छोटा सा काले रंग का होगा, जिसके साथ काले रंग के छोटे छोटे कान भी होंगे। ये बंदर इतने फुर्तीले हैं कि ये 30 फीट तक ऊंची छलांग लगा लेंगे। इसी वजह से ये बंदर बाकी बंदरों की तरह दरख्तों को पकड़ पकड़ के आगे नहीं बढ़ते, बल्कि अक्सर जमीन पर कैंगरू की तरह छलांगे लगाते हुए जाएंगे। ना सिर्फ जमीन बल्कि दरख्तों और चट्टानों पे भी ये बंदर छलांगे लगा सकते हैं। इनके खाने की बात करें तो ये बंदर सब्ज रंग के पत्ते खाना पसंद करते हैं। नंबर 6, स्पाइडर मंकी। दोस्तों, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले ये बंदर यहाँ पे घने जंगलात में रहते हैं। स्पाइडर मंकी की दुम इतनी लंबी होती है कि ये अपनी दुम के जरिए से लटक सकते हैं और एक दरख्त से दूसरे दरख्तों पे फलंगते जाएंगे। ये बंदर ज्यादातर दरख्तों पे लटकते हुए किसी मकड़ी की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें स्पाइडर मंकी कहा जाता है। मगर इंसान जो इन पे जुल्म कर रहे हैं वो ये है कि दरख्तों की कटाई बढ़ने की वजह से इन्हें रहने में मसला हो रहा है और पिछले कुछ सालों से इनकी तादाद में भी काफी कमी होती नजर आ रही है। ये बंदर इंसानों को देखकर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसकी मिसाल एक वीडियो में देखी जा सकती है, जब एक बाइक सवार इस बंदर के पास अपनी बाइक रोककर इसे खाना और पीने को पानी देता है और फिर जब ये आदमी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो इसने ना सिर्फ उसका हाथ थामा बल्कि उसे गले भी लगा लिया था। और फिर बाइक सवार स्पाइडर मंकी को अपने पीछे बिठाकर उसे जानवरों की पनाहगाह में छोड़ आता है, जहां इसकी बेहतर देखभाल होगी। नंबर 5, रेड शैंक डूक। दोस्तों, अब हम आपको खूबसूरत से बंदर दिखाते हैं जिनका जिस्म रंग बिरंगा होगा और छोटे से मुंह पे बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। ये बंदर देखने में किसी खिलौने की तरह लगेंगे। इनको देखकर ऐसे लगेगा कि जैसे इनके मुंह पे किसी ने मेकअप किया हुआ हो। इनके बारे में एक बुरी खबर ये भी है कि ये बंदर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि इनकी तादाद सिर्फ 50% ही रह गई है। इनकी तबाही की वजह भी जंगलात का खत्म होना है, जो कि इंसानों की वजह से या फिर शदीद गर्मी में आग लगने की वजह से खत्म हो रहे हैं।
नंबर 4 स्नब नोज्ड मंकी। दोस्तों इस नस्ल के बंदरों की नाक काफी छोटी होती है मगर होंठ काफी बड़े होंगे। इनके बच्चे तो इतने प्यारे होते हैं कि इनको देखने का बस दिल ही करता जाएगा। आपको ये बंदर बर्फीली जगहों पे दिखाई देंगे क्योंकि इनके जिस्म पे काफी मोटी फर होगी जो कि इन्हें ऐसी जगहों पे रहने में मदद फराहम करती है। आप इन बंदरों को दो रंगों में देखेंगे, कोई भूरे रंग का बंदर होगा और दूसरा काले और ग्रे रंग में मिल जाएगा। नंबर 3 साया मांग मंकी। दोस्तों ये बंदर इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में पाए जाते हैं। इन बंदरों को पीछे से देखा जाए तो ये चिंपैंजीज लगेंगे मगर जब कोई इन्हें चिंपैंजी समझकर सामने से देखता है तो वो चकरा कर ही रह जाएगा क्योंकि साया मांग बंदर सामने से बाकी बंदरों की निस्बत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इनमें सबसे अलग दिखने वाली चीज इनका गला नजर आएगा जो कि काफी फूला हुआ होता है जिसे ये अपना खाना जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब इनके इस फूले हुए गले में खाना ना जमा किया हुआ हो तो ये बंदर तब भी अपना गला फुला कर इनमें से अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हैं जिसे आप इस वीडियो में सुन रहे होंगे। और आप भी सोच रहे होंगे कि ये आवाज तो किसी बंदर की नहीं लगती। नंबर 2 ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस। दोस्तों नाम से ही आपने इन बंदरों के कलर का पता लगा लिया होगा यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट बंदर। जब आप इन्हें देखते हैं तो इनमें दो बातें महसूस करेंगे जो कि बाकी बंदरों से बिल्कुल अलग हैं। एक तो इनकी लंबी और खूबसूरत दुम जो कि किसी भी और नस्ल के बंदर में दिखाई नहीं देती और दूसरा इनकी शक्ल जो कि इंसानों से काफी मिलती जुलती है। इनके जिस्म की साइड पे सफेद रंग इनकी खूबसूरती को बढ़ा देता है और जहाँ जहाँ सफेद रंग होगा वहाँ वहाँ बाल भी काफी ज्यादा होंगे इसलिए ये दरख्तों पे जब लटकते हैं तो काफी प्यारे भी लगते हैं। इन बंदरों की एक खासियत ये भी है कि ये बंदर ग्रो में रहना पसंद करते हैं जिसमें कम से कम 15 बंदर एक साथ देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1 पिग्मी मार्मोसेट। दोस्तों साउथ अफ्रीका के जंगलात में पाए जाने वाले ये बंदर इतने छोटे होते हैं कि ये इंसान की एक उंगली के बराबर नजर आएंगे इसलिए इन्हें फिंगर मंकी के नाम से भी जाना जाता है जिस वजह से ये बंदरों की सबसे छोटी किस्म है। इनका कद तकरीबन 4.5 इंच से 5 इंच के दरमियान होगा और इनका वजन सिर्फ 100 ग्राम तक होता है लेकिन आप इनके साइज पे ना जाइएगा। ये बंदर छोटे होने के बावजूद काफी शरारतें भी करेंगे जिस वजह से लोग इन्हें अपने घरों में नहीं पालते। वैसे तो बंदर अपने जैसे बंदरों में ही रहना पसंद करेंगे मगर जब इनकी अच्छी देखभाल की जाए तो इन्हें पालना मुश्किल नहीं। तो दोस्तों ये थी दुनिया भर में पाई जाने वाली बंदरों की 10 ऐसी अनोखी और हैरान कुन नस्लें जो कि बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इन सब में से बंदरों की कौन सी नस्ल आपको सबसे ज्यादा हैरान कुन और सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।